Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Insight and this is CS Tuti Mahajan. As we all know, अगर आपकी turnover exceed कर जाती है 10 CR से तो आपके ऊपर invoicing applicable हो रखा है with effect from 1st October 2022 से. दो आपकी turnover 10 CR से ऊपर है, but ऐसी कौन सी categories हैं जो कि exemption category के अंदर आती है जिनके ऊपर invoicing applicable नहीं है. जैसे कि अगर हम बात करें GTA सर्विसेज, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, सिनेमाटोग्राफी कंपनीज, तो इन सब के ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है. अब क्वेरी आ रही है कि अगर यही जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक GTA सर्विस कंपनी है, वो GTA सर्विस के साथ साथ अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रही है, GTA एंटिटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के साथ साथ सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रही है, तो क्या सप्लाई ऑफ गुड्स वाली एक्टिविटी के ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? तो लेट सी, उसके लिए एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 186, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आपके पास एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 186, क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइसिंग विद रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी. Whether the exemption from mandatory generation of invoices in terms of notification number 13/2020, क्योंकि ये जो exemption है, इसी notification के through है, as a mandate is available for the entity as a whole, or whether the same is available only in respect of certain supplies made by the said entity. तो वो क्या कहना चाह रहा है कि जो exemption category में आते हैं, for example हमने कौन सा लिया, GTA का. जैसे कि GTA आ रही है किसके अंदर, exemption category के अंदर आ रही है, तो क्या जो एग्जम्पशन है वो पूरी की पूरी जीटी की एंटिटी को है या उसकी कुछ एक लिमिटेड सप्लाईज के ऊपर है एग्जम्पशन? तो हम चेक करते हैं कि क्लैरिफिकेशन के अंदर उन्होंने क्या कहा है. इन टर्म्स ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 सेंट्रल डेट डेटेड 21st March 2020 एज अमेंडेड, सर्टेन एंटिटीज और द सेक्टर्स हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द मैंडेटरी जनरेशन ऑफ इनवॉइसेस. उसी की बात की है जो कि एग्जम्पशन कैटेगरी के अंदर है. It is hereby clarified that the said exemption from generation of invoices is for the entity as a whole and is not restricted by the nature of supply being made by the said entity. तो वो क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, सर्कुलर के अंदर उन्होंने clarify कर दिया कि जो exemption दी गई है वो पूरी की पूरी entity को दी गई है, पूरी की पूरी entity को. वो entity के अंदर कुछ भी services कर रही है, कुछ भी सप्लाई कर रही है, तो उसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है और ना कि वो रिस्ट्रिक्टेड है किसी पर्टिकुलर सप्लाई के लिए. तो इस सर्कुलर के अंदर उन्होंने क्लियरली क्लेरिफाई कर दिया. लेट्स एग्जांपल, एक जीटीए एंटिटी है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, जीटीए सर्विसेज दे रही है अपने, जीटीए सर्विसेज के साथ साथ उसने कौन सी एक सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर दिया. अब हमें पता है कि जीटी के ऊपर तो इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, जब उसने अपने जीटीए ने, जीटी कंपनी ने जीटी सर्विस दी, उसके ऊपर इनवॉइसिंग हमने एप्लीकेबल नहीं किया. अब उसने क्या किया, सप्लाई ऑफ गुड्स भी किए, तो क्या सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? तो नो, उसका आंसर है नो, और इस सर्कुलर के थ्रू उन्होंने क्लियरली क्लैरिफाई कर भी दिया. ऐसे जीटीए कंपनीज के रिगार्डिंग में बहुत सारी क्वेरीज में आते थे जब उन्हें कोई गुड्स की सप्लाई करनी पड़ती थी, क्या उसके ऊपर हमें इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी बनती है. तो पहले क्या था, वो डाउटफुल था, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अगर एक एंटिटी को एग्जम्प्ट किया है तो वो एंटिटी को एज अ होल एग्जम्प्ट किया है, उस एंटिटी के अंदर आप कुछ भी सप्लाई कर सकते हो, तो उसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा. अब हम देखते हैं उन्होंने एक इलस्ट्रेट क्या दिया है यहाँ पे. अब बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंकिंग कंपनी भी एग्जम्प्शन कैटेगरी के अंदर आती है, अ बैंकिंग कंपनी प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज मे ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सम गुड्स इंक्लूडिंग बुलियन. बैंकिंग कंपनी क्या देती है, बैंकिंग सर्विसेज देती है, उसके साथ साथ सप्लाई ऑफ गुड्स भी करती है. जैसे बुलियन सेल करती है बैंकिंग कंपनी, या फिर कुछ उसने गुड्स को कन्फिस्केट कर लिए तो उसकी भी सेल करेगी. द सेड बैंकिंग कंपनी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 फॉर ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दस will not be required to issue invoice with respect to any supply made by it. तो banking company banking services दे रही है, उसके लिए तो आप लोग clear थे कि उसके ऊपर invoicing applicable नहीं है. banking company ने supply कर दिया अगर कुछ goods, तो उसके ऊपर भी invoicing की applicability नहीं बनेगी. क्यों? क्योंकि banking company कुछ भी supply of services करे या sale कुछ भी करे, तो उस
केस में इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, और इस सर्कुलर का रेफरेंस ही आप उसकी एग्जम्पशन जो है वो क्लियरली ले सकते हो। बट इसके अंदर एक पॉइंट ध्यान से देखना, इन्होंने यहाँ पे जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइसिंग की एग्जम्पशन दी है विद रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी लिखा है। अब एंटिटी का मीनिंग क्या है? ये पैन बेस्ड नहीं है, दिस इज एन एंटिटी बेस्ड। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से अपना रखना। कई बार ये होता है कि हम एक पैन के अंदर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है। अब एक पैन के अंदर हमने एक रजिस्ट्रेशन ली है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, और एक रजिस्ट्रेशन हमने ली है जीटीए सर्विसेज के लिए। अब जो हमने एग्जाम्पल कोट किया था, जीटीए सर्विस वाली जो एंटिटी है, अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी करती है तो उस केस में उसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। बट उसी पैन के अंदर जो हमने पैन की बात की, अगर उस पैन के अंदर हमने सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिए हैं तो उस केस में इनवॉइसिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, ठीक है। एक एंटिटी बेस्ड अगर वो एग्जम्पशन कैटेगरी में आते, क्योंकि उसका मेन काम क्या है, जीटीए, उसका मेन काम क्या है, बैंकिंग कंपनी है, तो अगर वो एग्जम्पशन कैटेगरी में आती है तो उस कंपनी ने अगर साथ में कोई सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया तो उसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एक ही पैन के अंदर अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन ली हुई है तो सिर्फ आपको ये एग्जम्पशन उस एंटिटी के लिए मिलेगी जो कि आपकी उस नोटिफिकेशन के अंदर एग्जम्पशन कैटेगरी के अंदर फॉल कर दिए। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, और जिनकी भी ये क्वेरीज आती थी कि एग्जम्पशन कैटेगरी वाले के साथ साथ अगर आपको कोई सप्लाई ऑफ गुड्स करनी है तो इनवॉइसिंग उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, तो इस सर्कुलर के थ्रू उन्होंने क्लियर कट क्लैरिफाई कर दिया आपको। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।